तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज सिद्धार्थ अनंत, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड व्हाट वी हैव गॉट समथिंग न्यू इन दिस पैकेट। तो ये है एक मोबाइल चार्जर मेरे बाइक के लिए, ये है बोबो जॉग्रिप। तो इसे हम चेक करते हैं और देखते हैं ये कैसी है। ये हम लोगों ने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, तो वेट चेक, इसको अनबॉक्स करते हैं या अनबॉक्स करें बोले या फिर अनपैक करें, तो इसे चेक करते हैं। लेट्स सी। ये हमारी है बिल, और ये है वो जॉग्रिप फोन होल्डर। पैकिंग तो बहुत अच्छी है और ब्लैक कलर की ये दिख रही है, तो इसे खोलते हैं। ये है वारंटी कार्ड, एक ऐड करने के लिए ये है वो मोबाइल माउंट, पीछे यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, और ये है जॉक खुलती है इनसे। और क्या है इस पर, कलंकी है, कुछ स्पेयर्स हैं, एक फ्यूज़ है, दो जिप टाइज हैं, और इसे हम अब चेक करेंगे बाइक पे लगा के। तो चलते हैं अपने गैराज पे और इसे उसमें माउंट करवाते हैं, लगवाते हैं, अटैच करवाते हैं, फिटिंग करवाते हैं इसकी, और अपन यहाँ से उसको इसे यूज़ करके देखेंगे ये चार्ज कैसे करती है। तब तक लेट्स गो। तो हे गाइस, अपन चलते हैं और ये बोबो मोबाइल होल्डर चार्जर को फिक्स करते हैं अपनी बाइक पे। तो अपन इसको फिक्स करने के लिए कहीं नहीं जा रहे आज, आज अपन इसको फिक्स करेंगे अपनी ही पार्किंग में, गैराज पे, और बाइक हमारे सामने लगी हुई है, ये रही हमारी बाइक। तो इसे अपन यहीं फिक्स करते हैं, बहुत इजी प्रोसीड्योर है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पर हो जाएगा मेरे को लगता है। तो चलते हैं और इसे फिक्स करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक छोटी सी, सॉरी, दैट्स एन ओल्ड बाइक M80, तो इसे फिक्स करने के लिए एक छोटी सी एलिंग की लगती है जो इसी बॉक्स में आती है, और बाकी कुछ सामान लगेगा तो हमारे टूल किट में हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना बैटरी चैम्बर खोलना होगा, तो चलिए करते हैं और देखते हैं। तो हमारी बैटरी चैम्बर पिलियन सीट के नीचे है और अपन और सामान करते हैं। तो हमारी बैटरी चैम्बर पिलियन सीट के नीचे है, ये है बैटरी। तो यहाँ से वो दोनों वायर्स कनेक्ट होंगे और मैं लगाऊंगा इस जगह पे अपना मोबाइल होल्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले होल्डर लगाते हैं, फिर इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मोबाइल होल्डर लगाते हैं, फिर उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो होल्डर लगाने के लिए हमें मेरे हैंडल पे ये वाली चीज़ लगेगी, तो ये छोटी सी एक एलन की से टाइट हो जाएगी, उसके ऊपर मोबाइल होल्डर लग जाएगी। तो पहले इसे फिट करते हैं, फिर मोबाइल होल्डर पे कंसिडर करते हैं। ये रही हमारी मोबाइल की होल्डर। सो ये है चार्जर,
और मोबाइल होल्डर, और ये इसका क्लैंप। तो ये क्लैंप फिक्स होगी इस जगह पे। मेरे को ये जगह बहुत पसंद है, मैं लैंडस्केप में रखना पसंद करता हूँ। तो लेट्स ब्रिंग समथिंग मोर। इसकी और कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, आई थिंक सो ये वाली है हाँ, और ये एक एलिंग की है। तो इससे हमें इसको यहाँ फिक्स करने में हेल्प मिल जाएगी। तो पहले से अपन लूज़ कर लेते हैं। या ये हो गई लूज। तो सबसे पहले इनको अपन यहाँ फिक्स करके, सॉरी इनको यहाँ फिक्स करके हाँ, ये जगह मेरे को ये जगह पसंद है, यही सबसे सही जगह है मेरी बाइक पे हाँ। और अपन स्पेस को उसको स्क्रू कर देंगे। ये लग गई स्क्रू या, तो इसे थोड़ी सी कस लेने हैं हमें। ये सबसे मेन काम है, यही अपने मोबाइल होल्डर को इस पोजीशन पे रखेगी। तो इसे टाइट कर लेते हैं। ये हो गई फिक्स। अब अपन मोबाइल चार्जर को यहाँ फिक्स करते हैं। तो अपन ये नॉब यहाँ से खोल लेंगे और इसे इसके अंदर डाल देंगे, और ऊपर से बस इसको इस पर फिक्स कर लेना है ऐसा, और उसको नॉब को उस पर कस देना है। ये हो गई टाइट। तो आपको अगर ऐसा पसंद है, ऐसा लगे आपको पोर्ट्रेट पसंद है, पोर्ट्रेट लगे। मेरे को ये पोजीशन ज़्यादा पसंद है, सो मैं ऐसा फिक्स कर लिया इसको। और बची ये केबल्स वायर्स, तो वायर्स को अपन क्रॉस करेंगे अंदर से। टाटा, ये वायर्स हमारी क्रॉस रही जाएगी। तो ये यहाँ से क्रॉस हो गई, पूरी की पूरी वायर अपन खींच लेंगे, नीचे कर लेंगे। या मैं थोड़ी सी वायर लूज़ करता हूँ, अगर कभी यहाँ का चेंज करने को मन करे पोजीशन तो अपन कर सकते हैं। अब इसको अपन घुसाएंगे एक छोटी सी जगह से, जहाँ से ये हम डिस्टर्ब ना करे। भाई साहब किधर है, फ्यूज़ निकाल लिया और ये इधर से अंदर घुसी है, इधर से निकली है। आप इसे कहीं अच्छे से आप हमें क्रॉस करनी होगी, ये रही वो जगह ठीक है। और ये अपन पहुंच गए बैटरी स्लॉट्स तक। तो अब अपन फ्यूज को वापस से लगा देंगे। ये फ्यूज लग गई और इसे यहाँ पे फिक्स कर देंगे। और इसे अपन यहाँ पे कहीं पे अटैच कर लेंगे। इसके लिए अपन चाहिए एक ये है नंबर 13, चाहिए हमें नंबर 12। यह है सॉरी अपन को चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर। तो अपने टूल किट में एक स्क्रू ड्राइवर है, तो इसे लूज़ किया जाए बैटरी पोल्स को। और यह है नेगेटिव, तो अपन इसको सिंपल सी बस इस पर डाल देना है और इसे टाइट कर लेना है। ओ सॉरी कॉल आ गया था। और इसे फिर इसको भी लूज़ कर लेना है। यह है पॉजिटिव और ये दूसरी वाली बैटरी पोल को यहाँ पे डाल देना है। ये गई कस, तो लग गया हमारा क्या। अब इन वायर को समेट के अंदर डाल के हमें करना क्या है, तो अंदर डाल के अपन को बस वापस से सीट लगा लेना है। डन। अब
पहले अपन चेक करते हैं। तो लग गया हमारा। अरे लग गया हमारा मोबाइल होल्डर। तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूएसबी की पोर्ट है, अपन यहाँ पे यूएसबी लगा लेंगे ऐसे। बस ये लग गई हमारी यूएसबी। अब भाई सब लग जा, सॉरी। लग गई हमारी यूएसबी पोर्ट और अपन चेक करते हैं स्विच ऑफ। ये तो अपन फिर से स्विच ऑफ कर लेते हैं और स्विच ऑन करके देखते हैं। तब मैं स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखते हैं। तो ये स्विच ऑन क्विक चार्ज 3। तो ये एक फास्ट चार्जर है, तो आपके फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी। और इसे अपन मोबाइल होल्डर पे भी लगा के देखते हैं। तो मैंने कवर नहीं खोला, बिना कवर के भी, बिना कवर खोले भी आप इसे लगा सकते हैं। तो ये लग गई हमारी मोबाइल चार्जर एंड होल्डर एंड डन। तो ये लग चुकी है एंड जो है बस यही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर ऐसी वीडियोज आपको पसंद है तो। सो दिस इज सिद्धार्थ आनंद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।